तो हाईकोर्ट ने तो ये कह दिया कि नियमों के मुताबिक ही ईडी ने गिरफ्तार किया है, यानी बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को। अब आगे क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, ये बड़ा सवाल है। ये माना जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ। जो फैसला आया है उसको लेकर के केजरीवाल की तरफ से याचिका दाखिल की जा सकती है। जो सूत्र बता रहे हैं इस वक्त आपको ये बता रहे हैं कि जो अगला कदम है वो सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन आम आदमी पार्टी चुनावों में क्या कहेगी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल साबित हो गया है कि ईडी के पास सबूत है और जो गिरफ्तारी हुई है वो नियमों के तहत हुई है। रिपोर्ट देखिए। कार्रवाई पर राजनीति करना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ा। पद का फायदा उठाने की मंशा लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई, खुद को बेकसूर बताया। केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर आरोप मढ़े, लेकिन वो भूल गए कि देश के न्यायालय सियासत के लिए नहीं बल्कि कानून और संविधान की रक्षा के लिए बने हैं। जो बात केजरीवाल भूल गए थे उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने याद दिलाया। सीएम केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। इस दौरान हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए कहा कि जांच एजेंसी की ओर से जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। चलिए 10 पॉइंट में आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हाईकोर्ट ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत को चुनौती देने के लिए है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय थे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूतों के आधार पर ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। गवाहों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज किए गए। जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के मुताबिक नहीं चलती। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की चुनाव की घोषणा के बाद हुई गिरफ्तारी वाला तर्क गलत है। ईडी के पास सबूत है कि गोवा चुनाव में मनी ट्रेल का पैसा लगा। कोर्ट ने साथ ही कहा कि जांच और पूछताछ में सीएम को भी विशेष छूट नहीं दी जा सकती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली दलील को भी कोर्ट ने नकार दिया। जज कानून से चलते हैं, राजनीति से नहीं। हमेशा ईमानदारी की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां बता रही हैं कि ईडी किसी के दबाव में नहीं बल्कि कानूनी दायरे में रहते हुए पूरी जांच कर रही है। सारे सबूत होने के बावजूद ईडी ने केजरीवाल को डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं किया। कुल 9 बार समन भेजे, जांच में सहयोग की अपील की, सीएम के पद की गरिमा भी रखी, लेकिन केजरीवाल जांच से भागते रहे, राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते रहे। अब जब हाईकोर्ट से केजरीवाल को फटकार लगी है तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार किया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है वो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुंह पे तमाचा है। इनके कारनामों ने दिल्ली को शर्मसार किया है। एक दिल्ली वाला होने के नाते पूछता हूं, क्या अब भी कोई नैतिक अधिकार है आपके पास कुर्सी पे बने रहने का? अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे, आज ये स्पष्ट हो गया वो एक भ्रष्ट हैं, उन्होंने शराब बटाला किया है, इसके बावजूद वो कुर्सी पर चिपक कर बैठना चाहते हैं, अब इसका भी इंसाफ बहुत जल्दी होगा। केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत मिलने की बजाय फटकार मिली, तो एक बार फिर बीजेपी ने इस्तीफे वाली मांग कर डाली। बीजेपी नेताओं का कहना है कि केजरीवाल अहंकार के दिल्ली की जनता के भविष्य से खेल रहे हैं। कानून एक मुख्यमंत्री के लिए और एक आम आदमी के लिए बिल्कुल बराबर होगा, ये केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के गाल पे एक करारा तमाचा है। कानून का, संविधान का और कोर्ट का तमाचा है। जरा भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि क्या कोई नैतिक अधिकार बचता है अरविंद केजरीवाल जी के पास कि वो मुख्यमंत्री बने रहे और सरकार तिहाड़ से चलाए। आज हाईकोर्ट ने न केवल शराब घोटाले के सरगना का पर्दाफाश किया है, परंतु जो सियासी धर्मांतरण हमने देखा है, जो हुआ है रामलीला मैदान में, उसका भी पर्दाफाश किया है। केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी जहां इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के बचाव के लिए नया रास्ता निकाल रहे हैं। अपना नेता भ्रष्टाचार में घिरता देख आप नेताओं ने एक सुर में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया।
प्रक्रिया जो दिल्ली में शुरू हुई है ये रुकने वाली थोड़ी है। इसके पीछे का मकसद है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के द्वारा खत्म करना, ये मकसद है। और वो लोग ये काम कर रहे हैं जिसकी सरकार में इलेक्टोरल बॉन्ड का हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ लेकिन उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती। किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को एक रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई, एक रुपए की भी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब करोड़ों का हेर फेर हो और एक रुपए की भी रिकवरी ना हो तो इस जांच के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। देश में लोकसभा चुनाव है, ऐसे समय में केजरीवाल तिहाड़ में कैद है। अब देखना ये होगा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में नुकसान होता है या केजरीवाल सलाखों के पीछे से कोई नया सियासी दांव खेलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मैं अपनी सहयोगी सृष्टि के पास जाऊं, उसके पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो खूब वायरल हो रहा है। पीलीभीत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए गए तो आप ये देखिए देख रहे हैं कि गजब केमिस्ट्री देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ उठते हैं, पोडियम की तरफ बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री के पीछे से होते हुए जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उसी वक्त उनका हाथ पकड़ लेते हैं और हल्की सी मुस्कान आप देख रहे हैं, हल्की मुस्कान देते हुए कहते हैं कि नहीं भाई, पीछे से नहीं, आगे से होकर के जाइए, पीछे का रास्ता मत लीजिए, मैं बैठा हूँ कोई बात नहीं है, लेकिन आप आगे से ही जाइए। और इसके बाद आप देखिए योगी आदित्यनाथ थोड़ा झुकते हैं और इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ये है वो गजब केमिस्ट्री जो बीच बीच में हमें देखने को मिलती रही है। सृष्टि लखनऊ में मौजूद है। सृष्टि, ये एक तरफ केमिस्ट्री है जो दिखाती है कि ये आगे बढ़ने की जो स्ट्रैटेजी है वो कितनी गजब है, सबको साथ लेते हैं सम्मान के साथ और प्यार के साथ। बिल्कुल, देखिए इसी सम्मान और प्यार को लेकर जो एक कैंपेनिंग है भारतीय जनता पार्टी की और वो लगातार इस वक्त देखने को मिल रही है यहाँ पर, जैसा आपने ये वीडियो अभी दिखाया। लेकिन अगर हम बात लखनऊ के आसपास के इलाकों की अगर करते हैं तो आज उन्नाव लोकसभा सीट का क्या हाल है वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से बड़े ही वाइब्रेंट नेता जो अपने बयानों को लेकर लगातार जाने जाते रहे हैं, साक्षी महाराज, वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं और उनका लगातार इस बात पर दाव है कि वो तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले हैं और कोई रेस उनकी यहां पर है नहीं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिरकार कौन कौन उन्नाव की लोकसभा सीट से मैदान में है। जैसा मैंने बताया कि बीजेपी की ओर से प्रत्याशी खुद साक्षी महाराज हैं और दूसरी ओर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें यानी कि इंडे गठबंधन की तरफ से अगर कोई मैदान में है तो वो अन्नू टंडन है। एक बार फिर से भरोसा अन्नू टंडन पर जताया गया है। कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले उम्मीदवार वो रही है लेकिन हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ में अगर बसपा की बात करें तो अशोक कुमार पांडे बसपा की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन साक्षी महाराज का सीधे तौर पर यह कहना है कि यहां पर कोई रेस या फिर कोई लड़ाई है ही नहीं, बल्कि सिर्फ मार्जिन इतना देखना है कि जीत कितने लाख वोटों से होने वाली है। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी के फायर ब्रांड एक बार फिर उन्नाव की चुनावी रणभूमि में बैटिंग करने के लिए उतर गए हैं और मुस्लिम समुदाय से मिल रहा साक्षी महाराज को ये समर्थन बेशक आपको चौंका रहा होगा लेकिन ये हकीकत है उन्नाव की। उन्नाव में मुसलमानों और साक्षी महाराज के बीच ये बॉन्डिंग देखकर आश्चर्य का सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि साक्षी महाराज का विवादों से पुराना नाता रहा है और ये विवाद उनके मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए गए बयानों के कारण है। लेकिन इससे इतर उन्नाव की तस्वीरें बिल्कुल अलग है। यहाँ जब साक्षी महाराज जनता के बीच निकले तो मुस्लिम समुदाय के लोग उनके सबसे करीब नजर आए। हमारी संवाददाता सृष्टि पांडे ने मुस्लिमों में साक्षी महाराज के लिए ये स्नेह ये प्रेम देखा तो उनसे बातचीत करने के लिए आगे बढ़ी। बीजेपी के उम्मीदवार के लिए उनकी राय, उनका मत, उनकी भावनाएं जानने और समझने की कोशिश की गई। ये तमाम जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं और अपनी जो उत्सुकता है वो यहाँ जता रहे, एक बार बात भी करेंगे। महाराज जी के लिए की बार 5 लाख पार कुछ ना है, सपा माने महाराज जी के लिए जान माल सब हाजिर है, खून देना पड़ेगा तो मुसलमान खून दे के लिए तैयार। नाव के मुसलमानों का समर्थन महाराज जी के साथ बम्फर समर्थन है। करीब 31 लाख आबादी वाले उन्नाव जिले में ओबीसी वोटर करीब 7 लाख है, एससी मतदाता करीब 5 लाख 50 हजार है, स्वर्ण मतदाता
सवर्ण मतदाता करीब 5,50,000 है और मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 2,15,000 है और ये आबादी साक्षी महाराज के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। बार बार ये कहा जाता था कि बीजेपी और अगर मुसलमानों की बात करें तो उनके बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, लेकिन वो यहाँ पर एक विपरीत परिस्थिति हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो लगातार ये बात बोल रहा है कि जीत अगर किसी की होगी तो वो साक्षी महाराज की होगी। मुस्लिम समुदाय के लोगों का मत जानने के बाद हमारी सहयोगी ने मुसलमानों को लेकर चर्चा की। इस दौरान साक्षी महाराज ने दावा किया कि हिंदुओं के साथ अब मुसलमान भी बीजेपी के समर्थन में हैं और 400 पार होने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदू तो मोदी जी के साथ था ही, अब मुसलमान भी मोदी के साथ हो गया। जब मेरे साथ ये मुसलमान है तो मोदी के साथ तो होगा ही, इसलिए अब की मोदी जो कहा है अब की बार 400 पार, मुझे विश्वास है कि 400 पार ही होना है। रिपब्लिक भारत संवाददाता ने मुस्लिम समुदाय पर साक्षी महाराज से चर्चा को आगे बढ़ाया, जिसमें साक्षी महाराज ने दावा किया कि विरोधियों ने एजेंडे के तहत भ्रम फैलाने की कोशिश की है। अगर 19-20 लाभ हिंदुओं को मिला तो 21 मुसलमानों को मिला, इसलिए मुसलमानों का हृदय पूरी तरह से बदला। कट्टरवादी जो छवि है उसके बावजूद भी मुस्लिम साथ, हिंदू राष्ट्र को या हिंदू धर्म को मानने वालों की जो संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये संस्कृति है। सृष्टि पांडे ने साक्षी महाराज से हर वो सवाल किया जिस पर वो आज तक घिरते आए हैं, उन मुद्दों पर बात की जिन्हें लेकर उन पर सवाल उठते रहे हैं। मुद्दा हिंदुत्व, राम मंदिर और हिंदुओं को भड़काने का उठा तो साक्षी महाराज ने भी हमारी सहयोगी को हर एक सवाल का सधा हुआ जवाब दिया। हिंदुओं को भड़काने का एक जो काम है वो साक्षी महाराज करते आए हैं, इसमें कितनी सच्चाई आप देखें? हिंदुओं को भड़काते नहीं है, हिंदू राष्ट्र की बात तो विभिन्न तरीके से इस देश में मांग उठती रही है, लेकिन 22 जनवरी को जो प्रभु श्री राम के मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो मुझे लगता है राम राज्य की स्थापना हो गई। लखनऊ और कानपुर सटे उन्नाव सीट खासकर राजनीतिक अहमियत रखती है। साक्षी महाराज यहां से लगातार दूसरी बार सांसद हैं और अब हैट्रिक लगाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, इसमें उन्हें महिलाओं का भी साथ मिलता नजर आ रहा है। क्या कह रही है, कौन जीतेगा? मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। क्यों जीतेंगे? मैं मोदी सरकार। कमर मिल रही है? सब सब गैस सिलेंडर मिल रहा है? हां मिल रहा है, मिल रहा है। अगर साक्षी महाराज तीसरी बार सांसद बने तो वो जीत की हैट्रिक लगाएंगे। 2019 में साक्षी महाराज ने उन्नाव सीट पर दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। 2014 के अपने रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा था। 1991, 1996 और 1998 में बीजेपी के उम्मीदवार देवी बख्श सिंह लगातार 3 बार सांसद बने। अगर इस बार साक्षी महाराज जीत जाते हैं तो उन्नाव से हैट्रिक लगाने वाले वो दूसरे नेता होंगे। इस बार के चुनाव में मोदी फैक्टर के साथ जनहित में किए गए काम प्रभावी नजर आते हैं। इस बार बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर आगे बढ़ती दिख रही है, इसलिए देखा जाए तो बीजेपी का ही पलड़ा भारी नजर आता है। निश्चित रूप से मैं राम मंदिर आंदोलन के गर्व से पैदा हुआ हूं, तो हम लोगों ने नारा लगाया सौगंध राम के खाते मंदिर यही बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप प्रत्यारोप हान लाभ को कभी नहीं सोचा। चार चार सरकारें गई, हमने उसे सबको सहन किया, लेकिन राम को नहीं छोड़ा हमने। तो जो हमने वचन दिया था, जो बात की थी, हमने वो पूरी कर दी। हम लोग राम भक्त हैं। साक्षी महाराज राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहे थे और आज भी वो बजरंग बली की पूजा अर्चना कर रहे हैं। राम नाम जपते हुए चुनावी मैच खेलने के लिए पिच पर उतर चुके हैं। सपा उम्मीदवार अनुरंजन साक्षी महाराज हैट्रिक ना लगा पाए इसके लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। तो दूसरी तरफ साक्षी महाराज भी ना सिर्फ उन्नाव सीट से 5 लाख पार का नारा लगा रहे हैं, बल्कि योगी आदित्यनाथ के मिशन 80 को लेकर भी दम भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूरा एनडी गठबंधन कहीं भी टक्कर में नहीं है। मेरी ये पत्थर की लीक है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जाएंगी, इंडिया गठबंधन को एक सीट नहीं मिलेगी। लगातार 2 जीतों के बाद अब साक्षी महाराज की नजर जीत की हैट्रिक पर टिकी है। अब देखना होगा कि विपक्षी दल बीजेपी के विजय रथ को इस बार रोक पाने में कामयाब होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।